आंखों की रोशनी बढ़ाने और चश्मा हटाने के कुछ आसान घरेलू उपाय। नंबर एक, आंख के स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, जिससे गर्मी पैदा होगी। फिर आंखें बंद कर हथेलियों को आंखों पर रखें। ध्यान रखें, आंखों पर हाथ रखने पर रोशनी बिल्कुल ना आए। दिन में ऐसा 3-4 बार करें। नंबर दो, आंवले के पानी से आंख धोने से या गुलाब जल डालने से आंखें स्वस्थ रहती है। नंबर तीन, आंखों के हर तरह से रोग जैसे पानी का गिरना, आंसू आना, आंखों के दुर्बलता आदि होने पर रात को 7-8 बादाम भिगोकर सुबह पीसकर पानी में मिलाकर पिए। नंबर चार, 1 लीटर पानी को तांबे के जग में रात भर के लिए रख दें और सुबह उठकर इस पानी को पिए। तांबे में रखा पानी शरीर को, विशेषकर आंखों को, बहुत फायदा पहुंचाता है। नंबर पाँच, आंवले का मुरब्बा दिन में 2 बार खाएं, इससे भी आंखों को रोशनी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। नंबर छः, केला गन्ना खाना आंखों के लिए हितकारी है। गन्ने का रस पिए 1 नींबू 1 गिलास पानी में पीते रहने से जीवन भर नेत्र ज्योति बनी रहती है। नंबर सात, 3 भाग धनिया के साथ 1 भाग चीनी मिक्स करके करें। दोनों को अच्छी तरह से एक साथ पीस लें। फिर इसे पानी में गर्म करें और 1 घंटे के लिए कवर करके रख दें। फिर एक साफ कॉटन का कपड़ा लेकर इस मिश्रण को छान लें। इसे रोज़ाना आँखों में आई ड्रॉप की तरह इस्तेमाल करें। नंबर आठ, नींबू और गुलाब जल को बराबर की मात्रा में एक साथ मिलाकर आँखों में डालने से आँख को ठंडक मिलती है। नंबर नौ, 1 चम्मच सौंफ, 3-4 बादाम, 1/2 चम्मच मिश्री पीस लें। इसे रोज़ाना रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में मिलाकर पिएं। नंबर 10, जीरे और मिश्री को बराबर मात्रा में पीस लें। इसे रोज़ाना 1 चम्मच घी के साथ खाएं, इससे भी आँखों को फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।